हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुष जोंथरिया। आज हम सरकारू वारी पट्टा, साउथ इंडियन मूवी है महेश बाबू की, उस मूवी का पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि इस मूवी में फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट तक क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली में, पति पत्नी और उनका एक लड़का होता है। जो पति जो होता है वो लोन लेता है, वो लोन टाइम से नहीं चुका पाता है, तो वो बैंक से रिक्वेस्ट करने जाता है कि प्लीज़ आप हमें कुछ टाइम और दे दीजिए जिससे कि हम आपका लोन चुका सकें। लेकिन बैंक वाले क्लियर डिनाई कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा और तुम जो है अपना घर बार कुछ भी बेचो, लेकिन हमें हमारा पैसा हमें वापस चाहिए। दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं और शाम को पति पत्नी दोनों बिस्तर में सोच रहे होते हैं कि यार क्या किया जाए, कैसे लोन चुकाया जाए। तो दोनों सलाह मशवरा करते हैं और दोनों जो है वो फांसी के फंदे से लटक जाते हैं और लड़का जो होता है वो चुपचाप सो रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है। कहानी में दिखाते हैं कि उसका पिता मरने से पहले एक चिट्ठी लिख के जाता है कि मतलब मेरे से एक कर्जा नहीं चुक पा रहा है, इसलिए मैं जो है सुसाइड कर रहा हूँ। सुबह घर की नीलामी के लिए बैंक ऑफिशियल्स और कर्मचारी, कोर्ट के कर्मचारी आ जाते हैं और घर की नीलामी की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देते हैं और उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है और वो लोग वहाँ से अपने एक अंकल के साथ वहाँ से चला जाता है। अंकल शहर में आके उस लड़के का दाखिला एक हॉस्टल में करा देता है जहाँ उसकी अच्छे से पढ़ाई हो सके और जो है अच्छा भविष्य प्राप्त कर सके। वो लड़का जो होता है वो एक रुपये का जो सिक्का होता है वो अपनी गर्दन पर टैटू बनवा लेता है उसे। और फिर यहाँ से उसके बाद मूवी की स्टार्टिंग होती है, मेन स्टार्टिंग। एंड वहीं दूसरा पहलू, इस फिल्म की हीरोइन कीर्ति सुरेश एक बिगड़ी हुई औलाद, एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है जिसकी शुरुआत जुए खेलते हुए दिखाया गया है। महेश बाबू इसमें एक लोन देने वाली कंपनी चलाते हैं, फाइनेंशियल कंपनी चलाते हैं। कीर्ति सुरेश के पास पैसे मतलब जुए में हार जाने के कारण वो क्या करती है कि महेश बाबू को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है जिससे कि उससे पैसे ऐंठ सके। किशोर और महेश बाबू दोनों मिलकर के कंपनी चलाते हैं। किशोर जो है वो महेश बाबू का असिस्टेंट होता है। अगले सीन में कीर्ति सुरेश सती सावित्री बनके एकदम अच्छी डिसेंट बनके महेश बाबू के पास आती है लोन लेने के लिए कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मुझे लोन दे दीजिए। और महेश बाबू जो है वो अपना पर्सनल तरीके से उसको लोन दे देता है। पैसे देने के बाद जब कीर्ति सुरेश चली जाती है तो महेश बाबू उसका पीछा करता है, लेकिन पीछा इतना गंदा तरीके से करता है कि जिसकी हद नहीं। साइड में कीर्ति सुरेश की कार जा रही होती है और रेड लाइट होती है तो वो भी बाइक को उसकी जस्ट बगल में जो है रोक लेता है, तो उसको भी दिखाई दे जाता है कि जो है ये इसका पीछा कर रहा है। अगले सीन में महेश बाबू कीर्ति सुरेश को मैसेज करता है तो उधर से जो है कीर्ति सुरेश का भी रिप्लाई आता है, तो महेश बाबू खुश हो जाता है और मंद ही मंद उसके ख्वाबों में खोता रहता है। उसके बाद उन दोनों का मिलना जुलना चलता रहता है और वो कीर्ति सुरेश जो है वो महेश बाबू से पैसे ऐंठती रहती है। एक दिन महेश बाबू को पता चल जाता है कि ये कोई सीती साधी सती सावित्री औरत नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है जो कि जुए खेलती है, मतलब लोन लेती है, जुए खेलती है और मेरे भरोसे का फ़ायदा उठा रही है। अगले सीन में महेश बाबू और किशोर जो है वो उस लड़की से पैसा लेने के लिए चल देते हैं। महेश बाबू किशोर से बोलता है कि मुझे नहीं पता, इस लड़की से पैसे लो अभी के अभी और हमें यहाँ से निकलना है, हमें इससे कोई बात नहीं करनी और ना इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ हमें सोचना है। तो किशोर उस लड़की से बोलता है कि हमारे पैसे वापस करो और चलो यहाँ से निकलो और अभी के अभी हमें पैसे चाहिए वापस, हमें नहीं पता कुछ भी। लड़की का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार क्या किया जाए और ये कहाँ बसड़ फैल गई, ऐसा क्या हो गया कि इन्हें सब कुछ पता चल गया, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए था। तो तभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाती है तो कीर्ति सुरेश जो है वो किशोर में थप्पड़ मार देती है। महेश का दिमाग ख़राब हो जाता है और महेश बाबू जो है लड़की में चबा के थप्पड़ देते हैं खींच के बुरी तरह, और लड़की एकदम लाल ताती हो जाती है। तो वो अपने बाप को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि बाप उसका बहुत रसूखदार है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला और पहुँचा हुआ आदमी है। तो दो मिनट में वो जो है वो वहाँ पर मिलिट्री भेज देता है, मतलब पुलिस भेज देता है वहाँ पर US में और उनके अरेस्ट होने की नौबत हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो अरेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन वो अरेस्ट क्यों नहीं होते हैं ये मेरी भी समझ में नहीं आया। US पुलिस आई, उनके ऊपर बंदूक तानी, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आता है, उनके ऊपर निशाना लगाता है जैसे कि बहुत बड़े आतंकवादी हों, लेकिन कोई भी कार्रवाई किए बिना वो सीन आगे कोई सीन नहीं होता है और वो जो है अपनी अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं। तो US पुलिस कर क्या रही थी वहाँ। उसके बाद अगला सीन होता है कि महेश बाबू मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे चले जाते हैं और वो इंडिया के लिए निकल जाते हैं।
जब किशोर का फ़ोन आता है तो वो उनको ये बात बताता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ उसके बाप से $10,000 लेने, और वो तो देगी नहीं और मैं पैसे लेकर ही रहूँगा कुछ भी हो जाए बने, और वो इंडिया के लिए निकल जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर बैठा हुआ होता है अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा होता है तो वहाँ एक औरत को देखता है जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक आदमी भी वहाँ उससे कुछ धमकी वगैरह देके गया था और वो औरत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसके बाद आगे का सीन दिखाते हैं कि महेश बाबू जो है वो इंडिया में आ चुके हैं और उन्हें टैक्सी ड्राइवर जो है वो लेने आया हुआ है। तो वो टैक्सी ड्राइवर जो है उनसे पूछता है कि सर आप कहाँ रहेंगे, आपके लिए कहाँ छोड़ना है, किसी होटल, बड़े होटल या कहाँ कैसे। तो महेश बाबू बोलते हैं कि और कम बजट बताओ, तो वो कम बजट के होटल ही बताते हैं। बोलते और कम बजट, और कम बजट, तो बोलता है कि सर फिर इतनी कम बजट में तो फिर मेरा ही घर आएगा 5,500 रुपये में। तो महेश बाबू बोलते हैं कि कोई नहीं, चलेगा तुम्हारा घर, और वो उसे अपने घर ले जाता है। उसके घर के पास में उसे वो अंकल मिलते हैं जिन्होंने बचपन में उसका साथ दिया, उसे हॉस्टल में एडमिशन कराया, उसकी एजुकेशन वगैरह के लिए इतना ध्यान दिया। वो अंकल मिलते हैं तो वो उनसे मिलके भावुक हो जाता है, उनको बताता है कि अंकल मैं वही महेश हूँ जिन्होंने आप में मेरी बचपन में हेल्प की थी। उसके बाद अगले सीन में महेश बाबू जो हैं कीर्ति सुरेश के पिता से मिलने जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आपकी बेटी ने मेरे से $10,000 जो है US में लिए थे, तो आप मुझे वो वापस कर दीजिए और मुझे US वापस जाना है। तो कीर्ति सुरेश के पिता बोलते हैं कि तुम $10,000 के लिए यहाँ पर आए हो। तो महेश बाबू बोलते हैं कि अगर मेरा ₹1 भी होता तो भी मैं नहीं छोड़ता, ये तो $10,000 की बात है, तो आप मुझे वो $10,000 दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो कीर्ति सुरेश का पिता उससे बोलता है कि देखो तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ तुम मेरी बेटी से माफ़ी मांग लो, अगर मेरी बेटी माफ़ कर देती है तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा जाने दूंगा, वरना तुम यहाँ वाइजैक से वापस नहीं जा सकते, इस बात का तुम ध्यान रखो। तो महेश बाबू का दिमाग ख़राब हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता फिर भी। तो उसे गार्ड्स के थ्रू बाहर फेंकवा दिया जाता है कि चल, गार्ड्स उसे बोलते हैं कि चलो बाहर निकलो यहाँ से, और गार्ड्स उसे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन महेश बाबू बोलते हैं कि जब तक आप मेरा पैसा नहीं दोगे तब तक मैं आपको रोज़ परेशान करता रहूँगा। अगले दिन महेश बाबू कीर्ति सुरेश के पिता को रोड पर रोक लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि सर मेरा पैसा दीजिए, लेकिन कीर्ति सुरेश के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो महेश बाबू जो हंगामा कर देता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी कीर्ति सुरेश के पिता की काफ़ी लोगों के सामने या फिर बहुत सारे लोगों के सामने जो है उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम्हें पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अगले सीन में बाहर उसकी आंटी बाहर वेट कर रही होती हैं क्योंकि उसके पति खाना लेके नहीं गए होते हैं। तो महेश बाबू बोलता है कि आप मुझे दे दीजिए, मैं अंकल को खाना पहुंचा देता हूँ। जब महेश बाबू अंकल को खाना पहुंचाने जाते हैं तो देखते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पेंशन भी मिलती है। तो वो बोलते हैं कि पेंशन से मेरा गुजर बसारा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे ये जो घर का है उसका EMI मुझे भरनी होती है, तुम्हारी आंटी जो है वो बीमार रहती है तो उसका खर्चा वगैरह जो होता है, इस वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ रही है। अगले सीन में कीर्ति सुरेश के पिता ने महेश बाबू को मारने के लिए कुछ गुंडे हायर किए हुए होते हैं। वे गुंडे मछुआरे टाइप के होते हैं जो बीच पर महेश बाबू को मारने की कोशिश करते हैं। वे महेश बाबू को पकड़ने के लिए उसके ऊपर जाल फेंकते हैं। जब महेश बाबू जाल में फंस जाता है तो उसके बाद वो उसकी पिटाई वगैरह शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है कि साउथ इंडियन फिल्में हैं तो हीरो तो पिटने से रहा, तो महेश बाबू उनकी जमकर पिटाई करते हैं, जाल में से बाहर निकलाते हैं, उनकी नावों को पलट देते हैं और इतनी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं कि सबकी हड्डी पसली कर देते हैं, और जो इनमें मेन विलन होता है जिसने मेन सुपारी ली हुई होती है उसकी बुरी हालत कर देते हैं, मतलब जितना कहा जाए उतना कम, इतनी बुरी हालत हो जाती है। और जब उसको मार पीट के एकदम बेहोश कर देते हैं या फिर मार देते हैं, उसके बाद कीर्ति सुरेश के पिता का फ़ोन आता है। तो महेश बाबू फ़ोन उठाते हैं तो चुपचाप सुनते हैं। जब उधर से कीर्ति सुरेश के पिता बोल देते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, तो महेश बाबू बोलते हैं कि सार्क से सामना करने के लिए मछलियों को नहीं भेजा करते, आज सार्क का मछलियों से सामना हो गया और सारी मछलियाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद अगले सीन में महेश बाबू मीडिया के सामने चले जाते हैं और सबसे बोलते हैं कि कीर्ति सुरेश के पिता जो हैं उन्होंने मेरा $10,000 उधार लिया मेरे से और मेरे पैसों को वापस नहीं कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारी कोशिश की उनसे वापस करवाने की लेकिन वापस नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए कि मेरे पैसे वापस कर दें।